Hi guys, so I'm walking the stairs. I'm going to Bhoja Cats. काफ़ी exhausting है हम दो. ये second हुआ track है हमारा. First हम लागत fourth गए थे और अभी Bhoja Cats. Skin का हालत ख़राब है. So I can realize how hard is going to be हमारा whole journey and also कितना hard होता है a trekker's life. But the real fun and satisfaction is when you reach your destination and you can just scream out your heart out, and when you are at the peak, hard mehnat, all those tears, bahut zyada satisfy deta hai. नमस्कार एंड वेलकम टू रितिकास डायरी. तो अभी हम आपको ले जा रहे हैं बिहारास की तरफ. बिहारा बेसिकली लिविंग रूम्स होते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के. तो यहाँ पर आपको थ्रू आउट द केव बहुत सारे बिहारास देखने को मिलेंगे. एक्चुअली द केव इज़ ओनली कंपोज्ड ऑफ द बिहारास. यहाँ पर एवरीवेयर ये छोटे छोटे रूम्स मिलेंगे जिसमें रॉक कट एम्बेलिशमेंट्स है. एंड दिस रॉक कट एम्बेलिशमेंट आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि ये बेड टाइप स्ट्रक्चर देते हैं. एंड इट इज़ फाउंड एवरीवेयर. यहाँ जितने बिहारास हैं सबके अंदर पे आपको ये छोटे छोटे रूम्स एंड ये बेड टाइप स्ट्रक्चर मिल देंगे. सो ये हमने एक्सप्लोर किया Bhoja Cats पे आते ही और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. और इससे जैसे ही हम बाहर निकले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर सिस्टर्न्स है. तो आई थिंक दिस वाटर सिस्टर्न्स ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ से ये पानी पीने के लिए यूज़ करते थे. तो इस बिहारा से निकल के मैं इसके साइड वाले बिहारा पर गई. अगर आप इस केव के रिगार्डिंग थोड़ा सर्च करें, रिसर्च पेपर अच्छे से रीड करें, तो आपको समझ आएगा कि हमारा एंशियंट टाइम वाज सो इंटरेस्टिंग. हर एक चीज़ों का एक डिफरेंट मीनिंग होता था उस टाइम पे. हर एक चीज़ें आज के टाइम पे हो सकता है आपको बहुत सारे चीज़ों का इम्पोर्टेंस अभी समझ ना आए, पर हर एक चीज़ का अलग अलग मोटिव था. एंड एन यूनिक थिंग अबाउट दिस होल बिहारा वाज दैट कि यहाँ पर साउंड इको होता था. मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पर अपना नेम, मेरे पार्टनर का नेम मैंने शाउट किया एंड इट वाज सो फन आई टेल यू. As Biharas are made for residential purpose, this Chaityagraha is made for assembly or prayer purpose. So basically monks यहाँ पर prayers करते थे. तो ये जो आप बीच पर देख सकते हो ये एक stupa है. So what is stupa? Stupa are basically remainings of the monks जो यहाँ reside करते थे और यहीं पर उनका death हो गया. So Bhoja Cats में आप को अराउंड 14 स्तूपास देखने को मिलेंगे. 5 आर प्लेस इनसाइड द बिहारास एंड द रिमेनिंग 9 आर प्लेस आउटसाइड द बिहारास. ये स्मॉलर केव के एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं और इसी के तरफ हम यहाँ पर 9 स्तूपास रखे गए इन अ हडल. These are those remaining 9 stupas जो बिहारास के बाहर बनाए गए हैं. So after seeing this, एक ही दिमाग पे thought आता है कि हमारा ancient time का art and culture was so thoughtful and so creative. Bhoja के मुंबई के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, लोनावला के सामने, on a hill village known as Bhoja. सो आप यहाँ पर जा सकते हो बाई एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाया फ्लाइट, ट्रेन, एनी थिंग विच इज़ सूटेबल फॉर यू. Bhoja Cats का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग है वो करला केव्स जो लोनावला में ही है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. द स्तूपा एंड द आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग ऑफ द हॉर्सशू सीलिंग
ये सारा काफी ज्यादा सिमिलर है। दिस इज द लास्ट बिहारा एंड इट इज एट द एंड ऑफ द वाजा केव। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सम स्कल्पचर्स, और इस स्कल्पचर्स में आपको गार्लैंड्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, सम गर्ल्स प्लेइंग द तबला, डांसिंग, सिंगिंग एंड सम बुद्धिस्ट मॉन्क्स के नेम्स एंड सम पेंटिंग्स ऑफ द बुद्धा, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे स्कल्पचर मिलेगा। सो दिस स्कल्पचर्स एंड दिस गर्ल विद द तबला जो अराउंड 200 BC पे बनाया गया था, विच शोज कि उस टाइम पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। द तबला जो अब हम ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो उस टाइम पर भी बजाते थे लोग। नियर द लास्ट केव देयर इज अ मैग्निफिशेंट वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल से जो पानी बहता है वो मानसून सीजन पे एक स्मॉल पूल है एट द बॉटम, तो वहाँ जाके वो मिलता है। बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी हम भूषी डैम पे गए जो कि एक मानसूनी डैम है, और ये इंद्रायणी रिवर पे बनाया गया है जो कि लोनावला में है। ये लेट 1860s पे बनाया गया था एंड फॉर नाउ इट इज़ अंडर द सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज। सो इफ यू विजिट लोनावला प्लीज़ डू विजिट भूषी डैम, इट्स ब्यूटिफुल। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।